लास्ट वीडियो में हमने ईआर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि ईआर आपकी बेसिकली टू टाइप की होती है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब जो नेक्स्ट ऑर्गेनल है बेटा, दैट इज योर राइबोसोम्स। ठीक है, अब राइबोसोम्स क्या होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ डेंस एंड स्फेरिकल पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, जो आपके दोनों टाइप के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं बच्चा। ठीक है, दीज आर साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। प्रोटीन मैन्युफैक्चर कहाँ पे होता है? राइबोसोम्स में होता है। दे आर फाउंड इधर फ्री इन साइटोप्लाज्म और अटैच्ड विद आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आपके या तो ये फ्रीली मिलेंगे आपके साइटोप्लाज्म में, ठीक है, या फिर आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कंबाइंड फॉर्म में, अटैच्ड फॉर्म में मिलेंगे। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन एंड दे आर कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। ठीक है, इनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है और ये कॉम्प्लेक्स होते हैं किस किस चीज का बेटा? आरएनए एंड प्रोटीन, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट इज योर गोल्गी एपरेटस। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्गी इन 1898। इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मैनी डिस्क सॉरी फ्लैट डिस्क शेप्स सेक कॉल साइट्रिन इट विच आर अरेंज पैरेलल टू द ईच अदर। इट्स फंक्शन इंक्लूड पैकिंग स्टोरिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ वेरियस प्रोडक्ट रिसीव्ड फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए आप, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी प्रोडक्ट आएगा ये उसको इनक्लोज्ड करेगा, पैक करेगा, स्टोर करेगा और डिस्पैच करेगा। ठीक है, इट रिमेन्स इन क्लोज एसोसिएशन विद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर एंड लाइजो। ठीक है, अब लाइजोसोम्स क्या होते हैं बेटा? देखिए बेटा, साइडल बॉम्ब्स भी कहते हैं सेल के लिए। ठीक है, दे आर कंपोज्ड ऑफ टाइनी स्फेरिकल स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। दे कंटेन मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड इन आर ई आर। लाइजोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम ऑफ द सेल एज दे हेल्प इन क्लीनिंग द सेल बाय रिमूविंग द वॉर्न आउट और डैमेज्ड सेल्यूलर ऑर्गेनल्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग्स फॉर द सेल एज दे कैन डाइजेस्ट देयर ओन सेल इफ एनी हैपन्स टू द सेल स्ट्रक्चर और इफ द सेल गेट डैमेज। ठीक है, जितना भी वेस्ट कलेक्शन होगा ये काम करेगा, वेस्ट का डिस्पोजेबल होगा ये ही काम करेगा। ठीक है, और ये इवन खुद की सेल को भी डैमेज कर सकता है। ठीक है, ईट अप कर जाएगा, डाइजेस्ट कर जाएगा बेटा खुद की सेल को भी। ठीक है, इसमें कुछ एंजाइम्स फिलअप होते हैं, ये अपने आप को एक्सप्लोड करेगा और वो एंजाइम्स उस सेल को ईट अप कर लेंगे। नेक्स्ट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इसी को आप पावर हाउस भी कहते हैं सेल का। ठीक है, देयर आर द मेन साइट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। दे प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। Adenosine triphosphate ATP is also known as energy currency of the cell. Energy currency, इसी form में energy produce करते हैं बेटा। The number of mitochondria per cell vary according to the physiological activity of the cell. Structure of the typical mitochondria is characterized by the following features. इट इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन कवरिंग। डबल मेम्ब्रेन कवरिंग से सराउंडेड होता है बेटा। आउटर मेम्ब्रेन जो रहती है वो पोरस होती है और इनर मेम्ब्रेन जो रहती है वो डीपली फोल्डेड रहती है। ठीक है, अभी दिखाऊंगी मैं आपको किस तरीके से। द फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड रिसाइट वेयर विच इंक्रीज द सर्फेस एरिया। ठीक है, द कंपोनेंट इनक्लोज बाय इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मैट्रिक्स। जो इनर मेम्ब्रेन रहती है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया पजेस इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं जो उसका खुद का डीएनए होता है बेटा। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है,
ये आपकी कॉइल रहती है, सीधे से मेरा कर्सर मूव कर रहा है, देख रहे हैं, ये कॉइल रहती है, इसका खुद का डीएनए रहता है बेटा, इसमें खुद राइबोसोम्स रहते हैं, ये मैट्रिक्स रहती है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये देख रहे हो, ये रिसर्च जंक्शन है ये आपका, ठीक है, चलिए चलेंगे। नेक्स्ट आ रहे हैं इम्पोर्टेंट प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं बेटा, देखिए ये प्लांट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड कंटेन्स देयर ओन डीएनए, प्लास्टिड्स के पास भी खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम्स होता है, ठीक है। प्लास्टिड आर ऑफ थ्री टाइप्स, कौन कौन से बेटा, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो रहते हैं वो आपके येलो एंड ऑरेंज पिगमेंटेड लिए रहते हैं बेटा, क्लोरोप्लास्ट जो रहते हैं वो ग्रीन पिगमेंट रहते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट जो रहते हैं वो कलरलेस होते हैं। फर्दर जो ल्यूकोप्लास्ट रहते हैं वो आपके के एलिरोप्लास्ट और आपके फर्दर रहते हैं आपके एमिलोप्लास्ट वगैरह, इसके बारे में हम आगे देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट आ रहा है आपका क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, ये नेक्स्ट आप देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।